नीलम। मामी तुम लोगों को क्या लगता है, भाग सकोगे हमसे? नहीं, हम तुम तो क्या मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगेगी? मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे जाने दो। तुझे तो मैं खबरदार, जो मेरी मम्मी जी को कुछ भी कह दो, पीछे हटो। लेके क्या कर रही है? तुम अपनी सोचो, लक्ष्मी की इस हरकत की वजह से कहीं नीलम ना पिघल जाए। मम्मी जी, ये तेरी मम्मी है, समझा इसको, नहीं तो सही में मम्मी बनाकर कब्र में भेज दूंगा, समझा इस गिरी हुई औरत को। ए! संभाल कर, गिरी हुई औरत को गिरी हुई बोलते हैं। तू जुबान संभाल, वरना तुझे और तेरी मम्मी को दोनों को एक साथ डायरेक्ट ऊपर, समझी? बलराम भाई की गन से किसी की बलि नहीं चढ़ी अभी तक, किसका खून होगा, इस गिरी हुई औरत का या इसकी बनी ढाल का? इस गिरी हुई औरत का, ये नाटक ज्यादा कर रही है, पर बलराम भाई का दिमाग इस ढाल ने खराब किया है। चैलेंज किया है बलराम को, चैलेंज। ये अदालत है बलराम, ये लोग कहते हैं कि यहां फैसले होते, तो ठीक है, कर डाल फैसला। तुम दोनों से जो जीता, इन दोनों से जो बचेगा उसको मारेगा। पूरी पुलिस की पलटन हमारा कुछ ना कर पाई और तू चला हीरो बनने, नीचे पड़ा रहे, बैठा रहे। मैं कहां फंस गया, मैं गलती आ गया है लक्ष्मी के चक्कर में, और कर ले लक्ष्मी के दीदार, अब खुद की लाश बिछेगी, पता चल जाएगा, देख कितनी बड़ी बड़ी बंदूक के लिए फिर रहे यहां पे। गुरुमा मान रखा तुम्हें मैंने, जान बचाओ, अपना दिमाग लाओ, बचाओ ना। तुम मुंह बंद करोगे तभी बच पाओगे। हाँ जी, हाँ जी, आप देख रहे हो उसे, इसने जानबूझ के आपको धक्का दिया ताकि ये सब हो जाए। आंटी अब डरो मत प्लीज, आंटी उठो प्लीज, उठिए। आयुष, आयुष,
छोड़ लक्ष्मी को। सही में जिगर है इसमें, मुझे बंदूक दिखा रहा है। अबे हम अपनी जान ना हथेली पे लेकर निकलते हैं। क्यों मरना चाहता है तू इसके लिए? कौन है ये तेरी पत्नी? है वो मेरी। इसीलिए इतनी दिलेरी दिखा रहा है। चल दिया, मौका दिया तुझे, बंदूक उठाई ना तूने, चला गोली। अगर तेरा निशाना सही लगा तो बलराम की जान जाएगी, और अगर निशाना गलत लगा तो इस लड़की की। लेकिन एक बात याद रखना, अगर बलराम को गोली लगी तो हम सब की गोली तुझ पे चलेगी। और अगर गोली तेरी पत्नी को लगी तो मैं तुझे गोली मारूंगा। प्लीज। बंदूक उठा के तूने बहुत बड़ी गलती।